प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वियतनाम दौरा जहां सभी अखबारों की सुर्खी है, वहीं इसे चीन को राजनीतिक स्तर पर मात देने की भी बात कही जा रही है। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल प्रधानमंत्री का विधानसभा दौरा चीन के प्रसंग में किस तरह देखते हैं? यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये प्रधानमंत्री का जो दौरा था बहुत ही इम्पोर्टेंट दौरा था। बड़ा क्लियर मैसेज प्रधानमंत्री चाइना को देना चाहते थे, इसीलिए G20 की मीट से पहले प्रधानमंत्री वियतनाम में गए। उन्होंने चाइना को ये भी एक मैसेज दिया है कि जहाँ तक मैरीटाइम सुप्रीमेसी है, हम इंडियन ओशन में या साउथ चाइना सी में उनकी सुप्रीमेसी को चैलेंज करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, उन्होंने ये भी मैसेज दिया है कि आप हिंदुस्तान के जो हित हैं और हिंदुस्तान की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आइंदा इग्नोर करेंगे तो इसमें बहुत बड़ी कॉस्ट है। जिस तरह अभी चीन के स्टेल्थ J20 की तस्वीरें ईस्ट अरुणाचल प्रदेश में देखी गईं, तो कितना तनावपूर्ण माहौल बन सकता है भारत और चीन के बीच? 45 के बाद में, वर्ल्ड वॉर के बाद में कोई भी दो न्यूक्लियर नेशंस एक दूसरे के साथ भिड़े नहीं हैं। एक साल डेढ़ साल में हिंदुस्तान और चीन के रिश्तों में कड़वाहट आई है। चीन वॉज ऑलवेज यूज टू हिंदुस्तान को दबाने के लिए। हमारी पिछली सरकारों ने फॉर वॉट एवर बी द रीज़न वो दम और बहादुरी नहीं दिखाई जो इतना बड़े देश को दिखाने की आवश्यकता थी। एक ताकतवर ही दूसरे ताकतवर की इज्जत करता है, तो हम उनको दर्शा रहे हैं कि हम अभी ताकतवर हैं, आपसे कमज़ोर ज़रूर हैं, लेकिन उस कमज़ोरी को बैलेंस करने के लिए हमने ताकतवर दोस्तों के साथ में हाथ जोड़ा है। बलूचिस्तान और फिर वियतनाम के बाद सरकार के रवैये से लगता है भारत किसी तरह के प्रेशर में आकर अपने हित में किए गए कार्यों में किसी तरह के फेरबदल करने के मूड में नहीं है।